हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई एम बिपाशा बोस, आई एम फर्स्ट प्रोफेशनल मेडिकल स्टूडेंट। सो आज है 14th of March एंड कल यानी कि 15th of March से हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। आज हम जाएंगे कॉलेज एंड हॉस्टल का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो सब कुछ फिल करके रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को सबमिट करेंगे। उसके बाद अगर हॉस्टल मिलता है तो शिफ्ट कर जाएंगे, अगर इतना बड़ा कैंपस कि आप सोच भी नहीं सकते हो। 171 acres, माय गॉड। ये हमारा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, शायद इसी के आसपास है हमारा सेंट्रल लेक्चर थिएटर जिसको नतुन भवन भी कहते हैं। ओ रहा नतुन भवन। ये रहा सेंट्रल लेक्चर थिएटर। After successfully clearing your medical entrance examination and you are loaded with possibilities and potentials. So congratulations to all of you. This Bankura Shambhiloni Medical College is not just a medical college. Actually, the name Vice Principal Professor Dr. Tarun Kumar Professor. We have with us Assistant Director of Health Service, Government of West Bengal, Dr. Robindranath Pradhan Sir of Department of Community Medicine. So this is the first official interaction with you, and I'm welcoming all of you in Bankura Shambhiloni Medical College, which is your own college. This is a very special day. But without skill, nothing. We have learned about when you will become surgeons. They know everything, but they cannot operate. So skill you have to develop. But most of the, above all, you have to make your heart. You have to be tolerant to your patient. You have to be patient. And also you think them as your books.
साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा था। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हुई बट बहुत मेमोरेबल रहा एंड पेनफुल भी रहा, और इस दिन को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी। 15th March 2022, एक्चुअली 15th मार्च को सिर्फ इनॉग्रेशन हुआ एंड 16th मार्च यानी कि आज से हुआ था एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट हुए थे आज से। तो हम अपने घर से निकल चुके थे 12th को एंड 13th को हम पहुंच चुके थे। फिर पहुँच कर हमने एक लॉज बुक किया, उसके बाद हम स्टे कर रहे थे। फिर स्टे करते करते ही हम पीजीज वगैरह ढूंढ रहे थे क्योंकि हॉस्टल कब मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कुछ पता नहीं था। सो उसके बाद फिर हम स्टे करते करते हमने बुक्स खरीदी, हमने एप्रन खरीदी। तो एप्रन खरीदने समय मुझे बहुत अच्छा वाला फीलिंग आ रहा था एंड बहुत अच्छी वाइब मिल रही थी मुझे एप्रन खरीदते समय। फिर मैंने बुक्स भी खरीदा, एनाटॉमी की मैंने BDC खरीदी, फिर फिजियोलॉजी का सेम्बुलिंगम खरीदा, फिर वासुदेवन का मैंने बायोकेम का बुक खरीदा, फिर हाइलाइटर पेन वगैरह ये सब लेकर के मेरा हो गया। फिर 14th को हम चले हॉस्टल का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने। एनाटॉमी डिपार्टमेंट में हम हॉस्टल का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने गए। फिर वहाँ से निकल कर हम चले थोड़ा PG वगैरह देखने चले। तो PG मुझे मिला बट मुझे हॉस्टल का रूम भी अलॉट हो चुका था, तो इसीलिए मैं PG में शिफ्ट नहीं हुई ये सोच करके कि मुझे रूम अलॉट हो चुका है एंड अभी PG ढूंढ कर क्या ही करेंगे, तो लॉज में ही रह रहे थे। फिर 15th को हमारा एक्चुअल ऑफिशियली जो फर्स्ट डे है वो 15th मार्च को था। इस दिन को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो सबसे पहले हम घुसे 12 बजे के आसपास हम घुसे सेंट्रल लेक्चर थिएटर में एंड घुसने का साथ साथ ही हमें जो माहौल दिखा आसपास कि लाइटिंग इतनी अच्छी है, सीटिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा है एंड सब कुछ अरेंज हो रहा था धीरे धीरे। फिर सारे प्रोफेसर्स एंड जो एनाटॉमी जो डिपार्टमेंट्स सारे HODs आए, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना इंट्रो दिया। सबसे खास जो मुझे लगा वो था प्रिंसिपल सर का लेक्चर, उनका जो स्पीच है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने स्टार्ट ऐसे किया था, अ वेरी हॉटी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो ये सुनकर सब चौंक गए, सबको बहुत मज़ा आ रहा था। फिर लगभग 2 घंटे तक वहाँ पर पूरा स्पीच हुआ एंड उन्होंने कुछ कुछ इंट्रो दिया अपने बारे में और MBBS के लाइफ के बारे में उन्होंने हमें बताया। फिर उसके बाद 2 बजे के आसपास हमारा एंड हो गया, वो उस दिन का जो प्रोग्राम था वो एंड हो गया। उसके बाद हम लोग अपने अपने जगह पर चले गए एंड ये बता गया था कि जो नेक्स्ट डे है यानी कि 16th मार्च है, 16th मार्च के 9 बजे से हमारा एक्चुअल क्लास स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट डे तो ऐसे बीत गया एंड हम लॉज में ही रुक रहे थे। बहुत परेशानी भी हुई थी मुझे फर्स्ट डे में, एक्चुअली हेल्थ बहुत ही ख़राब हो चुका था। सो किसी का कॉल भी अटेंड नहीं कर पा रही थी, मतलब मुझसे आवाज़ तक नहीं निकल रहा था और पढ़ने लिखने का तो बात ही अलग है, मैं पढ़ भी नहीं रही थी, ढंग से कुछ खा भी नहीं रही थी, किसी से बात करने का एनर्जी नहीं था, सारा एनर्जी मेरा कहाँ चला गया मैं खुद भी नहीं जानती। एक जगह से दूसरे जगह जब शिफ्ट करते हो ना तो हेल्थ का प्रॉब्लम ना मेरे पास पहले से ही था और बार बार ये चीज़ दिखाई मिल रही थी। अब फिर 16th मार्च है तो फिर 16th मार्च को हम गए थे हमारे कॉलेज में, एनाटॉमी की क्लास हुई, फर्स्ट क्लास हुई एंड लगभग 1.5 घंटे के आसपास तक, लगभग 1.5 घंटे तक वो क्लास चली। फिर लास्ट में सर बताए कि आप लोगों को होली की छुट्टी मिलेगी, सो आप एकदम से नेक्स्ट वीक का जो फर्स्ट डे होता है यानी कि मंडे 21st मार्च तब से आना। तो मेरे सारे जो बैचमेट्स थे जिनका घर यहाँ से लगभग 6-7 घंटे के आसपास है, तो वो बाकी सारे लोग तो घर चले गए बट मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा घर तो यहाँ से 18 घंटे के दूरी पर है तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं जा सकती, तो मुझे अब तो हॉस्टल जाना पड़ेगा। मैं हॉस्टल में गई थी तो उसका भी एक बहुत ही लंबा चौड़ा सीन है, वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताना चाहती, हॉस्टल का कोई और एक वीडियो आएगा तो तब मैं बता दूंगी। और फर्स्ट डे कुछ ऐसे ही मेरा बीत गया था एंड पहचानती भी नहीं थी किसी को, तो फर्स्ट डे मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी थी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जाने के बाद सीट मिला, फिर मैं बैठी, क्लास हुआ एंड क्लास में काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं एंड
काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिनको लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, किसी किसी को बंगाली बिल्कुल भी नहीं आता, लाइक देवर फ्रॉम बिहार एंड दिल्ली, सो उनको लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आता. एंड आई टॉक टू वन ऑफ देम एंड मेरे दोस्त भी बन गए तीन चार जो बिहार से है एंड दिल्ली से भी है. तो आई टॉट देम ए लिटिल बिट ऑफ बंगाली एंड देन फिर हम शाम को हॉस्टल के बारे में थोड़ा पता करने गए, तो हमें पता चला हॉस्टल अभी नहीं मिलेगा, बहुत प्रॉब्लम है हॉस्टल. कल भी वापस पापा कल चले जाएंगे. एंड आज का दिन कुछ ऐसे बीता. तो बाकी आप क्लिप्स में देख लेना क्या क्या हुआ था. सो मेरा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे, तो जो दो डेज थे वो बहुत ही स्पेशल था, अच्छा था. एंड एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, हर एक मोड़ पर चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हैं. पहले तो नीट की प्रिपरेशन करने में जो चैलेंजेस आई वो तो है ही, फिर काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत चैलेंजेस हुए, फिर एडमिशन को लेकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, एंड देन फाइनली हॉस्टल को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. एंड हेल्थ विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ ह्यूमन ह्यूमन बींग, कि जिसका हेल्थ उसके साथ नहीं है तो उसका तो पूरा दुनिया ही गुजर चुका है. तो हेल्थ को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ. यहाँ का खाना मुझे सूट नहीं हो रहा, मैं हूँ नॉर्थ बंगाल की बट यहाँ पर कॉलेज मेरा साउथ बंगाल में है, तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है सब कुछ, एकदम से मेरा बदल गया है सब, मेरी दुनिया ही बदल गई है. मुझे तो लग रहा है कि मैं इस जगह पर कैसे पहुँच गई, मैं लगता है कि मैंने गलती कर दी यहाँ पर आकर. पर देखते हैं डे डे जैसे ही दिन बीतते जाएंगे शायद अच्छा लगने लगेगा एंड मैनेज कर लूँगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी सबके साथ. सो हाँ, इतना ही था इस वीडियो के लिए. और ये बात याद रखना कि स्ट्रगल, अगर आपको कुछ भी चीज़ स्ट्रगल के बाद मिलती है ना, तो उस चीज़ की कद्र आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा. और कोई भी चीज़ जो आपको आसानी से मिल जाती है तो वो चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल नहीं होगी. सो मैं हमेशा इन दिनों को याद रखूँगी, क्योंकि इन यही वो दिन थे जिसमें मैंने अपने लाइफ का सबसे पेनफुल जो फेज होता है मेरा, जो ये सभी को लेकर के था, और इससे ज़्यादा पेनफुल चीज़ें मैंने आज तक फेस नहीं किया. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो. प्लीज़ डू हिट लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल. एंड या सो न्यू वीडियोज विल कीप कमिंग ऑन दिस चैनल. सो स्टे ट्यून्ड. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे.